हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज यहां पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आपका प्रोप्ड सपोर्ट की। तो सबसे पहले यहां पे बात कर रहे हैं कि प्रोप्ड होता क्या है, कि आपकी कोई भी बीम होती है, जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर एक यूडीएल लोड लगा हुआ है और यूडीएल मेरे जो लगा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका डब्ल्यू किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ बोल सकता हूँ मैंने, पर लिख लिया यहाँ पे आपका एल तक आपका डब्ल्यू लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रोब्ड लगा हुआ है आपका फ्री एंड पे, जो कि है आपका पी लिया है। तो मुझे इसके अंदर उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट दी प्रोब रिएक्शन इफ दी प्रोब इज रिजिड, उसकी रिएक्शन बतानी है। पर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ रिएक्शन ही नहीं बतानी होती, इसके अंदर आपको इसके मूवमेंट्स बताना होता है, एसएफडी बताना होता है, बीएमडी बताना होता है और डिफ्लेक्शन। तो मैं सारी चीज़ें इसमें कंसिडर करके बताऊँगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे जो मेरे पास बीम है उस बीम का अगर आप बेंडिंग डिफ्लेक्शन देखोगे तो इसका जो कर्वेचर आएगा वो इस तरीके से आएगा और जो पी होगा वो इसको क्या कर रहा होगा, माइन्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आपका डिफ्लेक्शन होगा किसकी वजह से, UDL की वजह से, वो आपका डिफ्लेक्शन बराबर होगा किसकी वजह से, इस प्रोब की वजह से। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा इसकी वजह से वो कितना होगा आपका, क्योंकि सबको पता होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूले निकाल दिए हैं। मैंने आपके सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं कि कैसे डेरिवेशन करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकलेगा आपका डब्ल्यू एल के बाद 4/8 EI, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अब आपको कंसीडर करना है, ये मैंने कंसीडर किया था कि मेरा कैंटिलीवर बीम पे एक यूडीएल लगा हुआ है। अब आपको कंसीडर करना होगा, इसको आपको रिमूव करना होगा कि आपके कैंटिलीवर बीम पे अपोजिट साइड में एक लोड लगाए तो क्या होगा आपका PLQ/3 EI। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की सबसे पहले कि यहाँ पे जो मेरा UDL की वजह से डिफ्लेक्शन निकल के आ रहा था वो मेरा किसके बराबर है आपका, जो एक प्रोब्ड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकल रहा था और ये पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपकी P की वैल्यू क्या निकलेगी, L क्यूब से L 4 टाइम्स चला गया, EI से EI चला गया, तो P की वैल्यू निकल गया यहाँ पे मेरी 3/8 W × L। तो आपको यहाँ पर पता पड़ा कि P की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3/8 W × L। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरी ए रिएक्शन है, तो यहाँ पे ए पे पॉइंट पे कितनी रिएक्शन निकल के आएगी आपकी RA। तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना होगा, सबसे पहले देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि RA + K P = कितना होगा आपका W × L, कितना होगा W × L। सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने क्या किया कि दो वर्टिकल फोर्स को एक डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स के इक्वेट कर लिया, जैसे अपन रिएक्शन निकालते थे उस टाइम पे अपन करते थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि RA + K 3/8 W × L = WL। तो यहाँ से RA की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, W × L / 3/8 W × L = 5/8 W × L, कितना निकला आपका 5/8 W × L। तो मैं यहाँ पे इसका SFD बना लेता हूँ। तो देखिए आर ए आपका ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है 5/8 W × L। यहां से फिर आपका क्या होगा कि यहां से जो आपका मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड में जाएगा कितना जाएगा W × L। तो आपको पता है कि 5/8 में से अगर W × L जाएगा तो कितना बचेगा आपका -K 3/8, तो -K 3/8 ये मेरे पास आया -K 3/8 और फिर ऊपर कितना चला जाएगा 3/8 W × L 0 0। तो आपको ये पता पड़ा कि ये आपका जो निकल के आ रहा है ये आपका पॉजिटिव SFD है और ये आपका जो निकल के आ रहा है वो है आपका नेगेटिव SFD, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको पता कि पूरी लेंथ आपकी कितनी थी L, मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है ये कितनी होगी, दिस इज अ X। तो आपको पता होगा कि जिस जगह पे मेरा SFD 0 होता है उस जगह पे जो मेरा बेंडिंग मूवमेंट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है मैक्सिमम। तो मेरे को यहाँ पर पता लगाना है कि इस SFD की जो डिस्टेंस है वो X की वैल्यू कितनी होगी। तो देख लेते हैं, लिखेंगे और दिखाई दे रहा होगा इन SFD
by using similar triangle theorem. क्या होगा ये यहां से लेके आते हैं कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, पूरी एल है एक्स चली जाएगी तो कितनी निकलेगी आपकी एल माइनस के एक्स. देखिए 5/8 डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू इंटू एल और नीचे कितना है आपका एल माइनस के एक्स इज इक्वल, ऊपर कितना है आपका 3/8 डब्ल्यू इंटू एल और नीचे कितना है आपका एक्स. तो यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डब्ल्यू इंटू एल टू डब्ल्यू इंटू एल कैंसिल आउट, 8 टू 8 कैंसिल आउट तो कितना बचा आपका बहुत ध्यान से देखेंगे 5 इंटू एक्स इज इक्वल 3 इंटू एल माइनस के एक्स. तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल 3 एल माइनस के 3 एक्स. तो सेम टाइम ये इधर की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 एक्स इज इक्वल 3 एल. सो एक्स इज इक्वल 3 एल बाई 8. तो इस जो ये वाली वैल्यू होगी इसमें मेरा जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई 3/8L. तो x की वैल्यू इस पे क्या होगा मेरा मूवमेंट इज मैक्सिमम, मूवमेंट इज मैक्सिमम. तो मुझे क्या करना है इस वाले केस के अंदर कि मुझे सबसे पहले मूवमेंट निकालना है x x प्लेन पे कि मेरा मूवमेंट कितना होगा. चाहे तो मैं मूवमेंट इधर से ले लूँ चाहे मैं मूवमेंट इधर से ले लूँ कहीं से भी ले लेता हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मैंने x x प्लेन माना था उस पे ही मैंने क्या किया कि यहाँ से x x एक डिस्टेंस पे आपका x डिस्टेंस पे एक x x प्लेन ले लिया. देखते हैं दिख रहा है मूवमेंट अबाउट इधर लिख लेता हूँ मूवमेंट अबाउट x x प्लेन. तो मूवमेंट अबाउट x x प्लेन क्या होगा एम एक्स एक्स इज इक्वल पी इंटू देखिए इधर से लिया पी इंटू एक्स माइनस के अब ये वाला यूडीएल लग रहा है यहाँ से यहाँ तक तो कितना आएगा आपका डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू कितना आएगा डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू. तो ये वाली चीज़ आपको सिंपल है समझ में आ गई होगी. मैं इसको इक्वेशन नंबर वन दे देता हूँ. अब मुझे बी एम टी बनाना था सबसे पहले आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सबसे पहले एक्स इज इक्वल जीरो पे फिर आपकी एक्स इज इक्वल एल पे और आपकी जो डिस्टेंस निकल के आ रही है 3L/8 पे वहाँ पे मेरे को डिस्टेंसेज फाइंड करनी होगी कि मेरी वैल्यूज कितनी निकल रही है. तो देख लेते हैं कि मूवमेंट एट एक्स इज इक्वल जीरो तो क्या होगा देखिए यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ जीरो आएगा तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी जीरो. फिर देखेंगे मूवमेंट एट एक्स इज इक्वल एल तो क्या होगा पी इंटू एल तो पी की वैल्यू कितनी आपकी 3/8 डब्ल्यू इंटू एल और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी लगा दी मैंने एल माइनस के डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाई टू कितनी निकल के आई 3/8 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू. तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते फटाफट से कितनी आएगी 3/8 माइनस के 1/2 माइनस के 1/8 कितनी आ रही है आपकी माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8. इसके बाद मैक्सिमम देख लेते हैं मैक्सिमम मूवमेंट एट एक्स इज इक्वल 3L/8 कितना आएगा 3/8 डब्ल्यू इंटू एल इंटू 3L/8 माइनस के डब्ल्यू बाई टू 3L/8 का होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ अच्छी तरीके से कितना आएगा देखिए 9WL स्क्वायर ओवर आपका देखो 8 का मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 64 माइनस के ये भी ऊपर कितना जाएगा 9WL स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है आपका और मल्टीप्लाई टू तो कितना आएगा आपका 128 तो कितना बचा आपका 9WL स्क्वायर ओवर 128. तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके नीचे मेरे को डायग्राम बनाना है बी एम डी वाला. तो देखिए एक्स इज इक्वल जीरो पे आपका जीरो था जब मैंने मूवमेंट की वैल्यू निकाली मैक्सिमम तो यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आ रही थी आपकी 9/128 डब्ल्यू एल स्क्वायर ठीक है. अब आपको देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक यूटीएल है तो आपको क्या बनेगा पैराबोला. उसके बाद आपको पता है कि इस जगह पे मेरा कितना निकल के आ रहा है कितना निकल गया माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 लिख लिया और यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या बनेगा पैराबोला. तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा. अब मुझे पता तो है कि ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी है 3L/8
और मुझे ये नहीं पता कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरी, तो ये मैंने बाई मान ली, बाई तो नहीं मान सकता, जेड मान ली। तो इस जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि जो मेरे पास मूवमेंट है इस मूवमेंट को मैं जीरो के इक्वेट कर दूँ तो मेरे को ये डिस्टेंस पता पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ साइड में, क्योंकि उस जगह पे मेरा मूवमेंट जीरो हो रहा है। तो क्या होगा, p इंटू एक्स इज इक्वल डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास, थ्री डब्ल्यू बाई एट इज इक्वल डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू। तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट, डब्ल्यू एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू कितनी आ रही है आपकी, टू बाई एट। एक सेकेंड में देख लेता हूँ, थ्री बाई एट, थ्री टू फोर, तो यहाँ पे W कैंसिल आउट हुआ था तो कितनी आई ये 4, तो निकल गया ये x इज इक्वल 3 बाई फोर। एक L, हाँ यहाँ L भी था, L तो कितनी वैल्यू निकल गई, P की वैल्यू आपको दिख रही है 3 बाई एट डब्ल्यू एल। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दी, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई x की, या फिर मैंने z माना, वो z है आपका सॉरी। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 बाई फोर इंटू एल। इस पर आपका क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे को क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम पहले की तरह कंडीशन है आपके पास, कि आपके पास मूवमेंट निकल के आया कि एम एक्स एक्स इज इक्वल पी इंटू एक्स माइनस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री डब्ल्यू एल ओवर एट, थ्री डब्ल्यू एल ओवर एट माइनस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि आपके पास देख लीजिए p की वैल्यू कितनी निकली, थ्री बाई एट डब्ल्यू इंटू एल, तो वही लगाया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये m x की वैल्यू है, तो पता है आपको कि वी नो दैट ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस के एम एक्स एक्स। तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के थ्री डब्ल्यू एल ओवर 8 माइनस के, अब ये देखो माइनस हुआ और ये क्या होगा मेरे, प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। ये किसके बराबर आ रहा है मेरा, ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड जो भी बनना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मूवमेंट निकालना है इंटीग्रेशन करके, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कितना होगा माइनस के थ्री डब्ल्यू एल 8 इंटू एक्स प्लस के डब्ल्यू एक्स क्यू बाई सिक्स प्लस के सी वन। एक और क्या निकलेगी, ई आई बाई इज इक्वल माइनस के थ्री डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन प्लस के डब्ल्यू एक्स की पावर फोर ओवर ट्वेंटी फोर प्लस के सी वन एक्स प्लस के सी टू। तो आपको यहाँ पे आपके इसके बाउंड्री कंडीशंस दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे आपको पता है कि इस जगह पे अगर मैं देखूंगा कि x इज इक्वल जीरो पे y इज इक्वल जीरो होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, x इज इक्वल जीरो पे y इज इक्वल जीरो निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं डेटा में वैल्यू पुट करूंगा और जहाँ पे भी मुझे मूवमेंट फाइंड आउट करना है उस जगह पे मैं इसके लिए मूवमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी मूवमेंट पूछा है, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि मिड में बताना है कहीं पे बताना है, तो आप उस जगह पे उसका मूवमेंट आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूँ। जैसे देख लीजिए कि अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप देखना है तो इसका स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, इस फिक्स वाले पॉइंट पे। तो क्या लिख सकता हूँ, बाउंड्री कंडीशन कि x इज इक्वल l पे आपका क्या होगा, dy बाई डी एक्स शुड बी जीरो हो जाएगा, पहली बाउंड्री कंडीशन होगी। और एक और बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, कि x इज इक्वल जीरो पे आपका y इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपकी दो बाउंड्री कंडीशंस हो गई। इन दोनों से आपके C1 और C2 की वैल्यू निकल के आएगी, तो मैं वो भी निकाल देता हूँ, इसी पेपर के पीछे ले लेता हूँ। तो देखिए, पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहे हैं, तो ये वाली चीज जीरो हो गई, माइनस के थ्री डब्ल्यू एल ओवर एट इंटू एल प्लस के डब्ल्यू इंटू एल क्यू बाई सिक्स प्लस के C1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो आपकी वैल्यू निकल के आई है कि उसके अंदर आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे x था क्योंकि x का मल्टीप्लाई किया था p इंटू एक्स, तो यहाँ पे x नहीं है तो स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, फिर q बाई थ्री होगा, तो कितना होगा आपका, देखिए एट एक्स स्क्वायर बाई टू दैट्स 16
और 16 मल्टीप्लाई 3 48 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बाकी सब सही है। मैं देख लेता हूँ एक बार, 3WLXY8 प्लस के W2X2 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होगा आपका X2Y2 तो 16 हो गया, फिर X3Y3 आएगा तो 48 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, अब ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2। सिंपल है, कोई चेंजेस नहीं है, बहुत सही। तो कितना आया, माइनस के 3WL3/16 प्लस के WL3/6 प्लस के सी वन। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या निकलेगी, माइनस के 3/16 माइनस के 3/16 प्लस के 1/6 कितना निकल के आया, माइनस के 1/14 तो उधर जाएगा तो क्या आएगा आपका प्लस के 1/14, तो C1 इज इक्वल WL3/48। तो C1 की वैल्यू निकल गई, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, अब सॉरी तो इक्वेशन निकल गई आ गई मेरी EIY, या आप पहले लिख लीजिए EIDY/DX इज इक्वल माइनस के 3WLX2/16 प्लस के WX3/6 प्लस के WLQ/48। तो अब इसका एक और इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, EIY इज इक्वल सेम पहले की तरह से आएगा 3WLX3/48 प्लस के WX3/4/24 प्लस के WLQX/48 प्लस के C2। तो अब मेरे को कंडीशन रखनी है एक्स इज इक्वल जीरो पे, वाई इज इक्वल जीरो, तो आपको दिख रहा है ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो आपका क्या निकल गया आएगा C2 इज इक्वल जीरो। तो यह आई आपकी EIY इज इक्वल माइनस के 3WLX3/48 प्लस के WX3/4/24 प्लस के WLQX/48 और ये हो गया आपका जीरो। तो यहाँ से मेरी ये बेस इक्वेशंस निकल के आई हैं। किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर कोई डेटा दिया है कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है तो आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे और वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।